दोस्तों, मैं आपको इस बवा के बारे में शुरू से ही बताता आ रहा हूँ और कई बार मैंने आपको ये बात भी बताई है कि इन लोगों ने ये बवा आखिर अपने किन किन मंसूबों को पूरा करने के लिए फैलाई थी। मैंने हमेशा से कोशिश की है कि मैं आपको इसके बारे में हर पॉसिबल जानकारी दे सकूं। आज जो न्यूज मेरे पास है वो आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी में डाल देगी। जी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जो बातें अब तक अक्सरियत को ख्वाब और ख्याल लगती थी, जिन पर वो हम जैसे लोगों की हंसी उड़ाया करते थे, हमारा मजाक बनाया करते थे, हमें पागल करार दे दिया करते थे, पर आज उन्हीं लोगों के सबसे ज्यादा होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि वो दुनिया की जिस खूबसूरती में अब तक मगन थे, आज उसी की डार्क साइड में आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप तैयार हो जाएं। दोस्तों, न्यूज ये है कि अमेरिका की कोलम्बिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जिनका नाम केन शेफर्ड है, जिसकी टीम ने एक माइक्रोचिप बनाई है जो कि एक नमक के दाने के बराबर है। ये दुनिया की सबसे छोटी माइक्रोचिप है। अब आपको भी इल्म हो गया होगा कि ये माइक्रोचिप क्यों बनाई है और इससे ये क्या करने वाले हैं। अभी तक हम माइक्रोचिप के बारे में सुनते थे कि वो चावल के दाने की बराबर है, लेकिन अब जो माइक्रोचिप बनाई गई है वो नमक के रेशे की बराबर है, नमक के जर्रे की बराबर है। दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात ये भी है कि ये माइक्रोचिप किसी भी आम सिरिंज से इंसान के अंदर इंजेक्ट की जा सकती है, यानी कि इंसानी जिस्म के किसी भी हिस्से में इम्प्लांट की जा सकती है। अब इनका दावा है कि ये माइक्रोचिप इसलिए बनाई गई है ताकि इंसान के अंदर से बीमारियों को, यानी कि ट्यूमर और कैंसर जैसी चीजों को जज किया जा सके और ये मालूम किया जा सके कि जिस्म के अंदर कौन कौन सी बीमारियां कहां कहां हैं, उनको ढूंढा जा सके। तो दोस्तों, आप याद रखें, ये सब दावे एकदम सफेद झूठ है और आपको ये सब बताकर आपसे झूठ बोला जा रहा है, और आज का जो दौर है वो झूठ पर मबनी है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब आप इनके झूठ को समझें, ये कितना बड़ा झूठ आपसे बोल रहे हैं। तो अमेरिका का ही एक और इदारा है जो कैंसर पर स्टडी करता है, और स्टडी भी करता है उन इम्प्लांट्स को लेकर जो बॉडी के अंदर लगाए जाते हैं, और इनके पास बेशुमार डाटा मौजूद है। इस इदारे का नाम है NCBI, यानी नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। इनकी स्टडी में ये बात वाजे की गई है कि कोई भी इम्प्लांट जो इंसानी जिस्म के अलावा हो, मसलन मेटल या जो चीज माइक्रोचिप के अंदर इस्तेमाल होती है, अगर ऐसी कोई भी चीज इंसानों के अंदर लगाई गई है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो NCBI के मुताबिक 1 साल से लेकर 30 साल के वक्त में ट्यूमर पैदा हो जाएगा अगर ये चीज लगाई गई है किसी शख्स में, यानी कि अगर कोई शख्स इसको लगवाता है तो मुमकिन है कि उसको 1 साल में या फिर 1 साल से लेकर 30 साल में ट्यूमर जरूर बनेगा। अब ये होगा क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसी चीज जो इंसानी जिस्म की नहीं थी वो इंसानी जिस्म में इम्प्लांट की गई। अब आप समझ ले कि ये माइक्रोचिप कैंसर को ढूंढने के लिए नहीं बल्कि बॉडी में कैंसर फैलाने के लिए बनाई जा रही है। इससे हमें कैंसर होगा, हमेशा याद रखना। अब आप एक और हैरानी वाली बात सुन लें। इस प्रोफेसर जिसका नाम केन शेफर्ड है, इसका कहना है कि इस माइक्रोचिप को फ्यूचर में किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कहता है कि अगर इंसान के किसी हिस्से पर कोई चोट लग जाती है तो वो कितनी जल्दी सही हो सकता है उसकी भी स्टडी की जा सकेगी। अब इसका आगे कहना है कि ये माइक्रोचिप बाई कम्युनिकेशनल डिवाइस है, मतलब जिस पर दोनों तरफ से कम्युनिकेशन किया जा सकता है, यानी कि ये चिप डाटा सेंड भी कर सकती है और डाटा रिसीव भी कर सकती है। अब गौर करने वाली बात है, ये किस तरह का डाटा सेंड और रिसीव कर सकती है। अब आप लोग समझ तो गए ही होंगे कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन अभी आप और थोड़ी सी बात गौर से सुन लें। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमें हौसला मिलेगा। हम बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे सब्सक्राइबर बनेंगे, हमें लाइक करेंगे, हमारी मेहनत को सराहेंगे और लाइक देंगे। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इनका कहना है ये टेक्नोलॉजी यानी माइक्रोचिप इस्तेमाल बहुत पहले से जानवरों में किया जा रहा है ताकि उनकी केयर की जा सके, उन्हें डिटेक्ट किया जा सके और उन पर नजर रखी जा सके। बस फर्क इतना है कि उसका साइज बड़ा था मगर अब इसका साइज बहुत छोटा किया गया है, मगर ये चिप वही है। तो दोस्तों, अब इसका साइज एक चावल के दाने के बराबर भी नहीं रहा बल्कि इसका साइज तो नमक के दाने या कहें जर्रे के बराबर कर दिया गया है, जो किसी भी इंजेक्शन के जरिए बड़ी ही आसानी से आपके अंदर दाखिल की जा सकती है। तो दोस्तों, इन्होंने कहा कि ये चीज पहले से इस्तेमाल हो रही है जानवरों के लिए, यानी उनको डिटेक्ट करने के लिए, तो अब ये इंसानों को भी जानवर समझने लगे हैं और अब ये इंसानों में इस्तेमाल की जाएगी और आपको इल्म भी नहीं होगा। हम आपको बताया करते थे उस बवा के वक्त जब वो फैल रही थी, इसका जो सॉल्यूशन है वो फोर्सफुली टीका लगवाना है। आज हम देख रहे हैं कि हर जगह की हुकूमत अपनी आवाम को फोर्सफुली टीका लगवा रही है, यहाँ तक कि आपको बाहर काम करने की इजाजत नहीं है,
जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको कंपलसरी कर दिया गया है, अगर वो टीका नहीं लगवाते हैं तो उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। जो लोग प्राइवेट काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये कहा गया है कि अगर वो टीका नहीं लगवाते हैं तो उनको काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, उनको दुनिया के लिए खतरा माना जाएगा, इंसानियत के लिए खतरा माना जाएगा। दोस्तों गौर करने की बात है, आपको गुलाम बना लिया गया है, अब कोई और दौर नहीं आएगा। अब आपको बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अवेयर रहना पड़ेगा इन चीजों को लेकर। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ये बहुत जरूरी जानकारी है और लोगों को इससे अवेयर होना चाहिए। जिस तरह से मैं फर्ज समझता हूँ ये जानकारी आप तक पहुँचाना, ऐसे ही आप भी फर्ज समझें कि इसको दूसरों तक पहुँचाएं। अल्लाह हमें दज्जाल और तमाम फितनों से महफूज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।